और मेरे को थोड़ा सा महसूस हो गया है कि मेरे वास्ते फ्लोर इस वास्ते बड़े भरावान को बंदा भैन को मन गया नहीं है इस वास्ते बनाए मेरे जरूर मैं जो भी आवा जी तुम बैठ के मेरा जरूर इस्तेमाल करो जी सब तो पहला खुशी का मौका है तुम सारे मैं मुबारक दे रही हूँ बहुत बहुत मुबारक हो गए और अल्लाह ताला तुम इस ज्यादा तरक्की और वो दे दे इंशाल्लाह ताला मैं वो तो वेट के भी सारे वैसे गाय हो गए शक्लात में बातों का सारे भी लेकिन इतने सारे इकट्ठे वेट के बहुत खुशी हो रही लेकिन अगर कमी महसूस हो रही है तो शरीर साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है और ये वास्ते दिल भी दुखी है बड़ा कि ऐस मौके थे वो इतने सारे सारे मौजूद नहीं है शाकर साहब तो वो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने बेटे बेटे बुला के चलो और जिंदिया बाप से सारा कुछ सारे हमेशा याद रखना पड़ता है मेनु पता है कि गुजरात का कभी कोई मसला होता सी दिन का बैठी उन्होंने रात करना मैं सी खैर मेरी जेल का फोन कर रहे हो और छोटे को लह के बड़े मसले का परमेश्वर में मेरी गल कराओ शायद यह मसला बन गया वो मसला बन गया मैं बेटे को उम्मीद रखनी हूँ सारे को उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उन्होंने जगह पूरी करेगा सब तो मेरी महसूस हो बाकी मैं जो थोड़े मुतालबे ने इंशाल्लाह ताला मैं नोट करके लै गई हूँ मैं तो चाहनी हाँ कि यह टाइम ऐसा है कि साढ़े को टाइम है असं पूरे कर सकते हैं ऐसी साढ़े को ऐसा तक कोई जवाब नहीं कि असं ये जहाँ काम हो नहीं सकता अल्लाह ताला के फजलो करम के नालियां दुआ अज प्रवेश साहब उत्थे पहुंचे ने कि अल्लाह के फजल के नाल माशाल्लाह जिन्ना भी माशाल्लाह करिए घट है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने तो तौफीक दी है कि गुजरात शहर के सारे काम करा रहे और एक सेवा बड़ी हद तक मोहनी साहब को जाना है और पहला मैं लगता सी कि शायद जिस तरह प्रवेश भाई साहब ने काम किया है मोहनी साहब उस तरह कर सके लेकिन हूँ मैं जिस तरह देखती हूँ रात 11-11 बजे तक वो काम कर रहा होता है और जो मैं हजर बदारी का टाइम आया मैं उठा कि मोनी स्कूल जाके लैना है कहता हालांकि तुम ले लो इस वास्ते कि मैं इन्हें गुजरात वाले वास्ते सारा कुछ कर रहा मैं एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहता मैं गुजरात ने आखिर मैंने जाके कहता मोनी से कहा कि मैं इन्होंने इशारा था हफ्ते 10 दिन के बाद मैं इन्होंने पूजा हाउस बुला के उसे मैं थाने से बुला के इन्हें सारे मुबारक दे दूँगा उस गल से मैं एग्री हो गई क्योंकि मैं देखा कि जिस तरह दिन रात काम कर रहे हैं इतों तक उन्हें आख्या कि तुम फिक्र ना करो इन नौकरियां इन काम हो गुजरात थोड़ा पै जाए और सर गुजरात बनाना यह नहीं कि मैं खुश करने वास्ते कर रहे हमेशा तो इन्ना ध्यान नहीं देता जिन्ना परमेश साहब दे लेकिन इस वक्त मैं देखा है कि उन्हें अपने वालद को भी आख्या है इस वक्त असी कोई चीज नहीं देखनी कि लोग ही आखनगे कि पंजाब के नजरिया फलानी जगह का नहीं कर रहे फलानी जगह का नहीं कर रहे इस वक्त सारा फोकस जरा है असं गुजरात शहर को कर रहे हैं और वह सुन के मैं वाकई बहुत खुशी हुई और मैं आख्या कि चल ठीक है तू फिलहाल टाइम नहीं दे रहा लेकिन जो तू कर रहे लोग गुजरात वाले उस चीज को याद करेंगे अगों आके और थोड़िया दुआवों के नाल इंशाल्लाह ताला उसका जो मकसद है सारा कुछ वो तो नजर भी आना चाहिए जिस तरह उन्हें गलिया नालिया पानी का सारा कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम शुरू किया है सफाई का शुरू किया काम लेकिन वो इतने जो भी कह रहे हो किसी ब्लेम नहीं देते लेकिन किसी हद तक कामयाब हो लेकिन तकरीबन वो फिर जा रहा है वो कर नहीं सक सकते और जो वेस्ट मैनेजमेंट का सारा तरतीब दिता गया उसकी चेयरमैनशिप बनाई गई है भट्ट साहब ने बुलाया है जवेद साहब ने बुलाया और दिन रात उस चीज़ का काम कर उन्होंने उन्होंने सारे फैसिलिटीज भी है और उन्होंने सारा काम शुरू कर लिया तो उन्होंने इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर अंदर तुम सारा नजर आ जाएगा कि होगा की है फिर बल्कि मैं और बैठी हुई है मैं पता लगता है गुजरात
रात ही बारिश हो रही है तो ना ही मैं दुआ मंगने लग पी हूँ याला जी वो पानी फिर आ जाएगा फिर मसला बन जाएगा। हाँ वो एक तरह का भी मौजा है कि बारिश ना हो ना कोई मसला बन तो इन शाला तला जो मोरिस ने सेवरीज का मसला सारा में हल करने का है जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। पहला भी मुकम्मल हो जाएगा सी ओदा फंड शंड सारा कुछ मंजूर हो गया लेकिन गवर्नमेंट वाले फेडरल गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया कि भाई गुजरात पास से इतना फंड लाया कि चले नहीं गए। तो शुक्र है ताला तो उन्हें पंजाब के उत्ते ही इतना पूरा ने कर लिए हमने मैनेज कि इंशाल्लाह ताला फेडरल को सानू कोई लोड नहीं पड़े ना सी लगा दूंगा। इस वक्त खाली रखो जो करते हैं और करके नहीं है मेरी मां का मामा डाल दे गुजरात शहर वो हमेशा कहते होंगे सर बहुत बहुत शुक्रिया।